लेके आया हूँ बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, और ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो मौका है, वो है पुलिस बनने का। दोस्तों आपको पता ही होगा कि पुलिस में कितना बेनिफिट्स है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें ऑफिशियल होती है, बहुत सारी चीजें नॉन ऑफिशियल होती है। आप लोग सब समझते हैं और आपके आसपास बहुत सारे पुलिस रहते हैं, और आप अपने परिवार वालों से भी सुनते होंगे कि पुलिस में कितना बेनिफिट्स होता है। तो दोस्तों पुलिस में निकली है 5000 वैकेंसी, और ये कोई स्टेट का नहीं वैकेंसी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी, और सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए। कितना? सिर्फ 12वीं पास वाले पुलिस बन सकते हैं, कांस्टेबल बन सकते हैं। लड़कियां भी बन सकती है, लड़के भी बन सकते हैं, और सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ 12वीं पास है। तो जरूर आप एक बार ट्राई कीजिएगा, पुलिस अगर आप बन गए तो आपकी करियर बहुत ही अच्छे लेवल तक जाएगा। दोस्तों बहुत सारी ऐसी वैकेंसी होती है जो प्राइवेट हो जाती है, लेकिन पुलिस तो हमेशा हमेशा सरकारी ही रहेगी। बहुत सारे कंपनी आपने सुना होगा कि पहले ये बैंक था वो प्राइवेट हो गया, ये कंपनी था प्राइवेट हो गया, लेकिन पुलिस क्या है, एक सरकार का अभिन्न अंग है, यानी सरकार का ही अंग है। जैसे लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करना है या कोई कानून को इन्फोर्स करना है, या कोई नेता कहीं आता है तो पुलिस का ही सहारा लिया जाता है। तो दोस्तों पुलिस ऐसी सिस्टम है, पुलिस ऐसी जॉब्स है कि हर कोई चाहता है इसमें आना, और सिर्फ 12वीं पास है तो अपने देश के युवा तो बहुत सारे 12वीं पास है, और कोई इसमें रिजर्वेशन स्टेट वाइज कोटा नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है, तो तमिलनाडु वाले भी भर सकते हैं, बिहार वाले भी भर सकते हैं, झारखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात वाले, जम्मू कश्मीर वाले, हिमाचल वाले, उत्तराखंड वाले, उसके बाद महाराष्ट्र वाले, कर्नाटका वाले, आंध्र वाले, तेलंगाना वाले, उड़ीसा वाले, देश के जितने भी राज्य हैं, अंडमान निकोबार हो या लक्षद्वीप है, सभी अप्लाई कर सकते हैं। यूपी बिहार वाले को तो है ही। तो दोस्तों पूरे देश के बच्चों के लिए 5000 वैकेंसी निकली है, और ये दिल्ली पुलिस में निकली है, और दिल्ली पुलिस में जो सिलेक्शन करेगा वो SSC करेगा, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताता हूं आगे चल के क्या एलिजिबिलिटी है, और आपका लास्ट डेट कब है, और इसके साथ साथ क्वालिफिकेशन होगा, जो टेस्ट होगा आपके, उस टेस्ट में क्या क्या आएंगे। जाहिर सी बात है इसमें फिजिकल टेस्ट भी होगा और एग्जामिनेशन भी होगा। फिजिकल टेस्ट मतलब दौड़ना भी होगा, जंप भी करना होगा। वो कितना मिनट में कितना दौड़ना है, कितना जंप करना है, लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। एज का क्या क्राइटेरिया है, सारे क्राइटेरिया, बहुत छोटा वीडियो होगा, काम का वीडियो होगा, तो पूरा अंत तक देखिएगा, जरूर लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, आपको पता चलेगा कि पुलिस में भर्ती कैसे होती है, क्या क्वालिफिकेशन होता है, कितना दौड़ना होता है। तो दोस्तों आजकल फिजिकल फिटनेस तो आपको पता ही है कि जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है वो कोरोना से बच जा रहा है। तो ऐसे आप पुलिस के लिहाज से ना देखें तो ऐसे भी लोग दौड़ते हैं डेली, तो कितना दौड़ना चाहिए, पुलिस में क्या रिक्वायरमेंट होता है, उसको आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1 अगस्त से लेके 7 सितंबर तक फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं, लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, 9 सितंबर तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान, ऑफलाइन चलान का जनरेशन है वो 11 सितंबर तक कर सकते हैं, टाइमिंग भी मेंशन किया हुआ है 11:30 बजे रात तक। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चलान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ द बैंक 14 सितंबर तक, जब आप चलान प्रिंट करेंगे तो लास्ट डेट है 14 सितंबर तक आप चलान जमा कर सकते हैं। आपका जो एग्जामिनेशन होगा, जो टेस्ट होगा, वो कंप्यूटर पे ऑनलाइन टेस्ट होगा, और देश के सारे शहरों में, चाहे बिहार हो, यूपी हो, कनाडा हो, मतलब कन्नड़ हो, तमिल हो या मलयालम हो, किसी भी जगह, हर जगह ये टेस्ट होगा, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, हर जगह ये टेस्ट होगा, यानी देश में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हर जगह टेस्ट होगा। तो आपको अपने घर के आसपास सेंटर देंगे तो वहीं पे एग्जाम दे सकते हैं, ट्राई तो करना चाहिए सबको। वीडियो को जरूर आगे तक और देखिए, स्किप मत कीजिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट की, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, मतलब भारत सरकार का नौकरी है। अब वैकेंसी देख लीजिए, आपका पे स्केल है, जो पे बैंड 3 है, पे लेवल 3 है, उसमें है 21,700 से लेकर 69,100 का पे स्ट्रक्चर है, और कांस्टेबल मेल में वैकेंसी टोटल है 3,433, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ओबीसी, एससी और एसटी। उसी तरह जो मेल है, जो बैकलॉग वैकेंसी है, उनके लिए ये 226, जो फीमेल है उनके लिए 1944, मेल में जो बैकलॉग है उसके लिए ये है, और इसमें एससी एसटी का है, इसमें एससी एसटी का है, एक्स सर्विसमैन का इंक्लूडेड। टोटल वैकेंसी 5,846 है, जिसमें एसटी का 302 है और शेड्यूल कास्ट का 1,037 है, ओबीसी वालों के लिए 1,133 है, और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 583, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए 2,801 है।
अब फटाफट देख लेते हैं कि आपकी एज लिमिट क्या होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। कब? 1/7/2020 को एज निकालिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका एज कितना है। 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। प्लस इसमें कुछ छूट भी है, अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो 5 साल तक छूट है, यानी 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एससी और एसटी कैटेगरीज में आते हैं। ओबीसी कैटेगरीज में अगर आप आते हैं तो 3 साल की छूट है, यानी आप 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्पोर्ट्स फैन में है, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है जो डिस्टिंक्शन है, उसके लिए 5 साल की छूट है। स्पोर्ट्स पर्सन डिस्टिंक्शन हु हैव रिप्रेजेंटेड स्टेट और नेशनल लेवल, उसकी 10 साल की छूट है। स्टेट और नेशनल लेवल पे अगर रिप्रेजेंट किया तो 10 साल की छूट है। अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस को तो 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, चाहे ओबीसी है तो 43 साल, एससी एसटी है तो 45 साल। अगर आप दिल्ली पुलिस में जो काम कर रहे हैं उनके बच्चे हैं या बच्चियां हैं तो 29 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो 3 साल का छूट होगा आपका। 3 years after deduction of military service render from the actual age, एक सर्विसमैन का क्या होगा, देखिए क्राइटेरिया सारे दे रखे हैं, तो एक सर्विसमैन वाले आप देख लीजिएगा, ज्यादा आपका एज का छूट है 8 साल 6 साल। और अब देख लेते हैं कि क्या टेस्ट में पूछा जाएगा, एग्जाम में क्या आएगा, क्योंकि एग्जाम आप देंगे तो पास होंगे तभी। एलिजिबिलिटी देख लीजिए, इसमें 12वीं पास होना चाहिए, जस्ट किसी भी बोर्ड से अगर 12वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे NIOS है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिलैक्स अप टू 11th, अगर कोई 11th का है और उसके माता पिता में से कोई एक अगर दिल्ली पुलिस में जॉब करते हुए देहांत हुआ है या कहीं फौज में देहांत हुआ है तो अगर वो 11वीं पास है तो भी अप्लाई कर सकता है। उसके लिए स्पेशल है कि अगर कोई दिल्ली पुलिस में है या आपको एक सर्विसमैन है, सन एंड डॉटर ऑफ द सर्विस रिटायर्ड डिसीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टी स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, उनके बच्चे के लिए 11वीं पास भी अलाउड है, एक सर्विसमैन के इसमें बात नहीं है। अब देख लेते हैं कि एग्जाम में क्या आएगा। एग्जाम में आएगा आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग जो जनरल होते हैं, सेंटर देखिए कहाँ कहाँ है। अगर बिहार या उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी। और ईस्टर्न रीजन में अंडमान निकोबार और झारखंड उड़ीसा में देखें तो पोर्ट ब्लेयर है, ब्रह्मपुत्र है, भुवनेश्वर है, राउरकेला है, संबलपुर है, गैंगटोक है, हुगली है, कोलकाता है, सिलीगुड़ी है। उसी तरह कर्नाटका और केरल रीजन में है, बेंगलुरु है, मैंगलुरु है, बाली है, एर्नाकुलम है, त्रिशूर है, तिरुवनंतपुरम है यानी त्रिवेंद्रम है। उसी तरह मध्य प्रदेश में बिलासपुर, रायपुर, दुर्गपुर, भिलाई, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सतना, उज्जैन, सागर, ये मध्य प्रदेश एरिया में है। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में ईटानगर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरघाट, सिलचर, इम्फाल, उखरूल, शिलोंग, ऐजवाल, कोहिमा, अगरतला। फिर नॉर्दर्न रीजन में दिल्ली, अजमेर, अलवर, भरतपुर है, बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, श्रीनगर है, उदयपुर है, सीकर है, देहरादून है, हल्द्वानी है, हरिद्वार है, रुड़की है। नॉर्थ वेस्टर्न में यानी देश के ऐसा कोई जगह नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा नाम लेते हुए। मैं आपको बता देता हूँ स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड यानी कंप्यूटर पे होगा। तो उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे देख लीजिए, जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स से आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 50 नंबर के। रीजनिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे, 25 नंबर के। और न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 होंगे, 15 नंबर के। और कंप्यूटर का फंडामेंटल यानी बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है वो 10 नंबर का आएगा, यानी 90 मिनट्स का एग्जाम होगा, डेढ़ घंटे का एग्जाम होगा। और आपके जनरल नॉलेज का, रीजनिंग का, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर, आरएस अग्रवाल का अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी लेते हैं, रीजनिंग लेते हैं, बहुत अच्छा बुक है। जनरल नॉलेज है लूसेंट का अच्छा है, कंप्यूटर फंडामेंटल अरिहंत का एक आता है, पतली सी बुक आती है कंप्यूटर वो अच्छा है। अगर आप 3 बुक 4 बुक ले लेते हैं, आरएस अग्रवाल का रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल नॉलेज जो है लूसेंट का बहुत अच्छा है और कंप्यूटर फंडामेंटल अरिहंत का बहुत अच्छा है, आपका सारा इसमें सिलेबस कवर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, डेढ़ घंटे में आपको बनाने होंगे। निगेटिव मार्किंग है 1/4 यानी 4 गलती करेंगे तो एक अच्छा वाला आपका काट लिया जाएगा। डिटेल सिलेबस भी है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर में क्या क्या आएंगे, रीजनिंग में क्या आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या आएंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या आएंगे। फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं, फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है हमारे लिए भी आपके लिए भी, लेकिन जॉब के लिए क्या फिटनेस होना चाहिए, मेल के लिए। मर्दों के लिए 1600 मीटर की दौड़ है, 6 मिनट में पूरा करना होगा, 30 साल तक अगर एज है तो। लॉन्ग जंप में 14 फीट आप जंप कर सकते हैं, हाई जंप में 3 फीट 9 इंच आपको हाई जंप करना होगा अगर 30 साल से नीचे एज है तो। 30 साल से ऊपर वाले के लिए अलग क्राइटेरिया है और 40 साल ऊपर ये स्पेशल क्राइटेरिया, 1-2 मिनट का छूट है इसमें। मोटा मोटी 1600 मीटर की दौड़ यानी 1.5 किलोमीटर आसपास की दौड़, 6 मिनट में 1.5 किलोमीटर का दौड़ ना आना चाहिए। लॉन्ग जंप में 14 फीट आप एकदम से स्किप कर देना चाहिए और हाई जंप में 3 फीट 9 इंच आप रस्सी से नाप के, इंची टेप से नाप के जंप कर लीजिए। लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए देखिए बहुत सारे इसमें क्राइटेरिया है कि चेस्ट हाइट कितना होना चाहिए, हाइट 170 सेंटीमीटर है। उसके बाद रिलैक्सेशन भी है कि अगर कहीं पहाड़ी इलाका में है तो वहाँ जाहिर से बात है हाइट कम होता है, तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया है। लड़कियों के लिए बताता हूँ, लड़कियों के लिए 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में होना चाहिए। लॉन्ग जंप में 4 फीट की छूट दी गई है, 10 फीट में ही आपको जंप करना है और हाई जंप में सिर्फ 3 फीट ही आपको जंप करना है 30 साल के एज में। और भी बहुत सारे डिटेल्स है, इस पीडीएफ को मैं लिंक में दे दूंगा। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन मोटा मोटी समझ लीजिए कि 12वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके में आपको सिर्फ 100 नंबर का टेस्ट होगा, डेढ़ घंटे का टेस्ट होगा। ये बहुत बड़ा पीडीएफ है, 50 पेज का पीडीएफ है, पढ़ूंगा तो मेरे ख्याल से 2 घंटे भी लग जाएंगे। तो मोटा मोटी आप समझ लीजिए,
समझ गए होंगे, अप्लाई कर लीजिए, लास्ट डेट सितंबर में है, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 12वीं पास है वो तो आपको पता ही हो ही गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, भारत सरकार की, कोई यूपी बिहार पुलिस में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का दिल्ली में आपको रखने को मिलेगा। और दिल्ली पुलिस की बात ही कुछ और है, वो तो प्राइम मिनिस्टर का भी निगरानी करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो की वैकेंसी है अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आएगा तो आप देखिएगा, आपको नहीं पसंद आएगा तो इसको शेयर कीजिएगा। जो भी जरूरतमंद इंसान है अपने देश को, जो बेरोजगार है, उनके लिए ये मैसेज जरूर भेजिएगा। उनको ये भी पता चलेगा पुलिस में कांस्टेबल लेवल पे कैसे प्रक्रिया, क्या चयन प्रक्रिया होता है, कैसे सिलेक्शन होता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही यूजफुल वीडियो के साथ। हमें रहे ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।